अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर का टॉपिक है प्रोटीन, वो आज डिस्कस करेंगे। प्रोटीन ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से, जिसकी मीनिंग है फर्स्ट रैंक। प्रोटीन जो है वो एक पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। हमारी सेल के अंदर जो है इसका ड्राई जो वेट है वो है 50%। इसको डिस्कवर किया था ब्रेजिलेस ने, जो इसका नाम सजेस्ट किया था ब्रेजिलेस 1838 के अंदर। वो डच केमिस्ट था, उसका नाम था जे जी बल्डर। उसने डिस्कवर किया था, रिकग्नाइज किया था प्रोटीन को कि वो सेल का एक वाइटल कंपाउंड है। प्रोटीन जो है उसके अंदर उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कैसे बनता है उसका स्ट्रक्चर मैं आपको समझाता हूँ कि एक कार्बन होता है, उसके साइड में अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। अमाइनो ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है H2N, और साइड में अटैच होता है कार्बोक्साइल ग्रुप, और कार्बोक्साइल ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है ये डबल बॉन्ड, वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, और यहाँ पर वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ अटैच होता है, और ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और ये रेडिकल ग्रुप होता है उसके साथ अटैच होता है। तो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्साइल ग्रुप अगर कार्बन के साथ अटैच हैं तो इसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। और मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड होते हैं हमारी बॉडी में, 20 अमाइनो एसिड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड हैं जिसमें ये रेडिकल ग्रुप मुख्तलिफ किस्म का होता है, जैसे मिसाल के तौर पर ग्लाइसिन में ये आर की जगह हाइड्रोजन आ जाता है, और सीरीन के अंदर CH2OH आ जाता है सीरीन के अंदर, और एलेनाइन के अंदर ये मिथाइल ग्रुप हो जाता है। तो सिर्फ आर ग्रुप को चेंज करने से अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, जैसे ग्लाइसिन हो गया, सीरीन हो गया, और एलेनाइन हो गया। अब लिंकेज कैसे बनता है अमाइनो एसिड के अंदर, यही हम स्ट्रक्चर अगर देखें कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर H2N के साथ, और यहाँ पर कार्बोक्साइल ग्रुप के साथ, तो ये OH आयन यहाँ पर आ, और दूसरा ग्रुप अगर हम लेते हैं कार्बोक्साइल का, उसका अमाइनो ग्रुप का, अमाइनो एसिड का, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये इसका कार्बोक्साइल ग्रुप हो गया, तो ये यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच होता है, तो इसका H2N होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो OH आयन और ये H हाइड्रोजन आयन, तो ये वाटर रिमूव हो गया, तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये जो स्ट्रक्चर एंड में बचा है उसको हम उसका लिंकेज बन जाता है, जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। वो ऐसे बनता है जैसे ये H2N है, कार्बन हाइड्रोजन आर ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप ये NH, और ये कार्बोक्साइल ये दूसरा अमाइनो ग्रुप हो गया अमाइनो एसिड। तो ये जो बांड है कार्बन यहाँ पर जो बना है इसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। अब ऐसे मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड हैं वो मिल के एक पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं, तो इससे पॉलीपेप्टाइड एक स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं, या प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पर हम डिस्कस थोड़ा सा करेंगे कि चार किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें लीनियर सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड की, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसका मिसाल इंसुलिन है। और दूसरा उसका स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी के अंदर पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है अमाइनो एसिड की वो स्पाइरली कॉइल्ड होती है। इसका मिसाल जैसे कि स्पाइडर का वेब हो गया, हमारे हेयर हो गए, स्पाइरली कोइल्ड जिसमें स्ट्रक्चर आ गया पॉलीपेप्टाइड का, तो वो सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी में लीनियर होता है, और टर्शरी में 3-डायमेंशनल फोल्ड हो जाते हैं, टर्शरी के अंदर 3-डायमेंशनली फोल्ड हो जाते हैं, 3-डायमेंशनली फोल्ड हो जाते हैं, जिसका मिसाल लाइसोसोम है। और लास्ट में हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं क्वार्टरनरी, इसी में सब यूनिट्स की एसोसिएशन हो जाती है, इसको हम ऐसे कहते हैं कि एसोसिएशन ऑफ टू और मोर सब यूनिट,
और वो एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल बनाता है जिसको हम क्वाटरनरी कहते हैं। तो उसका मिसाल हेमोग्लोबिन है जो आरबीसी सेल्स के अंदर होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। अब इसके फंक्शंस क्या हैं प्रोटीन के? फंक्शंस बहुत सारे होते हैं सेल के अंदर। मिसाल के तौर पे सेल पे जो रिसेप्टर बने होते हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। एंटीजेंस जो हमारी होती हैं वो भी सेल की बनी होती हैं, और फिब्रिन जो हैं वो भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन पूरी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के रोल प्ले करता है, एज अ हार्मोन भी रोल प्ले करता है और एज अ ग्रोथ फैक्टर भी काम करता है, एज अ जीन एक्टिवेटर भी काम करता है। तो हमारी बॉडी में रेगुलेटरी फंक्शंस बहुत सारे प्रोटीन ही काम करता है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है कि प्रोटीन का अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, लिंक पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, और स्ट्रक्चर्स प्रोटीन के चार किस्म के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, उसके एग्जाम्पल्स वो डिस्कस किए हैं, और फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं कि एंटीजेंस होता है उस फिब्रिन की तरह रोल करता है, हार्मोन की तरह रोल करता है, ग्रोथ फैक्टर की तरह रोल करता है और जीन एक्टिवेटर की तरह रोल प्ले करता है।